प्रदेश के रामपुर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में अब पुलिस आरोपी पर शिकंजा कसती जा रही है। आपको बता दें, रामपुर के एक नामचीन अस्पताल के दबंग संचालक ने 11वीं की एक छात्रा को कोचिंग कराने के बहाने घर से बुलाया और फिर उसका अपहरण कर फरार हो गया। वहीं युवती के घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों ने युवती के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू कर दी। बता दें, आरोपी युवती को लेकर 5 दिन तक गायब रहा और इस बीच छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को एक थार गाड़ी से बरामद करते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अस्पताल का संचालक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के अस्पताल को सील कर दिया है और मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मामले का मुख्य आरोपी साजिद पाशा इलाके का प्रसिद्ध दबंग व्यक्ति है। वो एक अस्पताल का संचालक है और प्रॉपर्टी का धंधा करता है और उसकी 2 पत्नियां हैं। इस मामले की नाबालिग पीड़िता ने बताया कि 31 अगस्त के दिन साजिद पाशा ने पीड़िता को कोचिंग कराने के बहाने अपने अस्पताल के पास बुलाया और वहां से कार में बिठाकर ले जाने लगा, ये कहकर कि आगे और भी छात्राएं हैं, लेकिन कार में कोई और छात्रा नहीं थी और ना आई। इसके बाद आरोपी साजिद छात्रा को उत्तराखंड के रामनगर ले गया और वहाँ एक रिजॉर्ट में उसे बंधक बनाकर 3 दिन तक दुष्कर्म किया। साजिद कौन है ये? ये एक नेता आदमी है, इनका हॉस्पिटल है ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, इसी बहाने सुवार में। अच्छा, सभी जानते हैं इनको, तो मैं भी जानती हूँ इसी तरीके से। इन्होंने मुझे झूठी बातों में, अपनी बातों में बहलाया फुसलाया इस तरीके से कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आपका एडमिशन करवाऊँगा दृष्टि में UPSC की कोचिंग के लिए। फिर ये मेरे को सुवार से ले गए थे अपनी स्कॉर्पियो कार में बैठा करके। अच्छा, फिर वहाँ से मुझे वहाँ नहीं लेकर गए, फिर ये मुझे रामनगर ले गए। रामनगर में इन्होंने मेरे को 3 दिन रखा वहाँ पे। अच्छा। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए 3 दिन तक लगातार। उसके बाद फिर ये मेरे को हल्द्वानी लेकर आए। 5वें दिन आरोपी उसे फिर यूपी के रामपुर ले आया, लेकिन इस बीच पुलिस की जांच पड़ताल के बारे में जानकर आरोपी ने युवती को अपने पार्टनर मुदस्सिर के हवाले कर फरार हो गया। इस दौरान रास्ते में किसी तरह युवती ने अपने पिता को अपनी लोकेशन बता दी, तब पुलिस और युवती के परिवार वालों ने थार गाड़ी का पीछा कर युवती को बरामद कर लिया। फिर वहाँ पे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे द ओपल होटल रामपुर के सामने छोड़ दिया था। वहाँ पे फिर एक लड़का मुदस्सर आया, उसको साजिद ने भेजा था। फिर वो मुझे वहाँ से लेके जाने लगा बरेली की साइड। फिर ये वॉशरूम के लिए बाहर उतरा तो मैंने अपना फ़ोन छीना और मैंने अपने फ़ोन से अपने पापा को कॉल की कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, आप कहीं भी रास्ते मिल जाइए, मुझे उधर लेकर के जा रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी साजिद उसे पुलिस को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। तो आपको इन्होंने क्या और भी किसी तरह से प्रताड़ित किया? जी, मुझे डराया धमकाया गया कि अगर तुम हमारा नाम लोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बता दें, पीड़िता ने योगी सरकार से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। वहाँ पे फेक आईडी के जरिए रूम बुक कराए गए थे। उसके बाद और कहाँ ले गए आपको? फिर मेरे को हल्द्वानी ले गए थे। इस मामले पर रामपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिग के बयान कोर्ट में दर्ज कर दिया गया, अब मेडिकल के बाद माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। वहीं आरोपी के अस्पताल को सील कर जाँच की जा रही है और मामले की पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।